यार जैसे ही मैं फाइवर पर लेवल वन सेलर बनू मेरे तो ऑर्डर आने बंद हो गए मेरे तो नसीब ही फुट गए मैं तो ठीक है यार लेवल टू सेलर हो गए अच्छे भले मेरे ऑर्डर्स आ रहे थे और अचानक से मेरे ऑर्डर्स जो आना बंद हो गए आखिर ये क्यों होता है हालांकि हम तो ये सोच रहे होते हैं कि यार लेवल वन पर जाएंगे टू पर जाएंगे तो उसके बाद तो ऑर्डर्स ही ऑर्डर और फिर हमारा जो फ्रीलांसिंग करियर है वो बहुत स्मूथ चलेगा तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी का सोल्यूशन बताने वाला हूँ अगर आप भी ऐसी किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए और ये कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है सीरियसली एक छोटा सा बच्चा भी आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है कैसे उसके लिए भाई वीडियो पूरी देखना असला वेलकम टू ए चैनल एच वे सर्विसेज तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है बहुत ज्यादा लोग जो फाइबर पर इस वक्त सेलिंग कर रहे हैं जैसे ही वो लेवल वन पर गए उनके ऑर्डर्स आना बंद हो गए या फिर एकदम से उनके जो ऑर्डर्स बहुत अच्छे आ रहे थे और अचानक से ऑर्डर्स आना बंद हो गए और फिर उन्होंने कमेंट करना शुरू कर दिया मेरे फेसबुक ग्रुप पर सर हमारे तो ऑर्डर्स पता नहीं अचानक से क्या हो गया कि हमारे ऑर्डर्स आना ही बंद हो गए देखो यार मैं इसके सोल्यूशन की तरफ बाद में आता हूं पहले मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा और अपनी एक छोटी सी मतलब स्ट्रगल आपको बताऊंगा और एक कुछ सिखाना चाहता हूं मैं बेसिकली आपको देखो यार ये जो जिंदगी है ना ये लाइफ इसके अंदर आपकी प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होने वाली सबसे पहले अपने माइंड में ये चीज बैठा लो इस चीज के ऊपर अपना माइंड बिल्ड करो अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करो कि भाई जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगी ये आपकी उस बात का जवाब है जो आप ये सोचते हो कि लेवल वन लेवल टू पर जाने के बाद या आप टॉप रेटेड बन गया अब उसके बाद हमें तो सेल्स मिलती रहेंगी तो जब आपकी सेल्स आना बंद हो जाती है फिर आप लोग ये सोचते हो कि यार लगता है किस्मत ही फुट गई थी मेरे ऑर्डर आने एकदम बंद हो गए एन्ना उतने भी पहुंच गया वो इतने ज्यादा न्यू सेलर है उनका तो ऑर्डर मेरे में तो टॉप रेटेड भी हो गया फिर भी मेरे ऑर्डर्स आना क्यों बंद हो गए तो ये आपकी उस प्रॉब्लम का मैं समझ लो एक तरह से आपको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं कि जिंदगी के अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी कभी खत्म नहीं होती तो फिर होता क्या प्रॉब्लम्स कभी भी खत्म नहीं होंगी बोस आपकी प्रॉब्लम्स हमेशा चेंज हो जाती है जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि यार एक छोटा सा बच्चा भी आपकी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है वो ऐसे ही है जब एक बच्चा छोटा होता है उसकी जरूरत क्या है फीडर पीना है दूध पीना है ना मतलब उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें या चोकेट खानी है मतलब समझ रहे हो ना और जब वो बड़ा होता है अब मुझको मोबाइल चाहिए अब मुझे फलानी गेम चाहिए फलाना लैपटॉप चाहिए थोड़ा और बड़ा होता है अब मुझे शादी करनी भाई क्यों नहीं चाहिए होती है ना भाई सबकी ख्वाहिश होती है मेरी भी शादी हो मैं भी बाल बच्चेदार हूँ मतलब होती है ना हंसना हो हँसो नहीं पता मुझे सारे बड़े तेज हो बात करने का मकसद ये है कि टाइम टू टाइम जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो चेंज होती हैं तो प्रॉब्लम्स कभी भी खत्म नहीं होती इसी तरह अगर आपका फ्रीलांसिंग करियर है या कोई भी स कर रहे हो अगर तो यह सोच के कर रहे हो कि एक सर्टन स्टेज पर पहुंचने के बाद मेरी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है तो वो प्रॉब्लम्स तो खत्म नहीं होगी लेकिन उस स्टेज पर पहुंचकर हो सकता है कि आपका बिजनेस ही खत्म हो जाए क्योंकि आपने वो बिलीव पाल रखे हैं कि यार ये बस ये काम करना उसके बाद जिंदगी चील है जिंदगी कभी भी चील नहीं होती प्रॉब्लम्स लाइफ के अंदर आती ही रहेंगी मैं आपको अपनी मिसाल देता तो हूँ जब मैं बेरोजगार था कहीं पर नौकरी नहीं मिली थी तो मेरा पता क्या प्रॉब्लम थी मेरी कहीं से मिल जाए नौकरी दस बारह हजार की कहीं से जॉब मिले सही बस अखीर कर देनी उसके बाद टेंशन खत्म ठुडे ही इतने पड़े हुए थे यार कि कोई तो रख लो यार दस हजार दे दो तो फिर बिस्मिल्लाह की अल्लाह तला का शुक्र आठ हजार की नौकरी से मैंने स्टार्ट किया अच्छा जब मैं वहां पहुंचा अब पता चलता है भाई इतने में तो कुछ भी नहीं होता अब थोड़े और करने प्रॉब्लम अब आठ जब आ नहीं रहे थे तब प्रॉब्लम्स कुछ और थी जब आने लगी तो पता लगा यार अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है अब प्रॉब्लम्स मैंने फील करना शुरू किया कि अब मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है असल में बढ़ नहीं रही होती प्रॉब्लम्स की स्टेट जो है वो चेंज हो रही होती है चैलेंजेस बढ़ते हैं चेंज होते हैं कभी भी एक जैसे नहीं रहते और 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 ना ही कभी ख़त्म होते हैं फिर स्ट्रगल स्ट्रगल की और की और करते करते आज भी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई स्ट्रगल नहीं है तो भाई आपको बिल्कुल गलत लगता है सीरियसली बात कोई भी यूट्यूबर है कोई भी कोई भी बंदा है किसी भी स्टेज पर है उसकी लाइफ में उसकी जिस भी वो स्टेज पर है उसके हिसाब से उसके चैलेंजेस भी उतने बड़े हैं तो ये कभी मत सोचा करो कि यार ये स्टेज पर पहुंचने के बाद तो चिल है और कोई मसला नहीं है ऐसा कभी नहीं होता सो so, अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लो अगर तो आप इस चीज़ के लिए रेडी हो कि भाई मैं सारी जिंदगी चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हूँ कोई भी प्रॉब्लम आएगी मैं रहूँगा नहीं बल्कि मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ तो बहुत आप फिर लंबी रेस के घोड़े बहुत आगे जाने वाले हो अगर आप ऐसा सोचते हो और अगर नहीं भी सोचते थे आज से पहले तो अब से ऐसा एटीट्यूड बना लो अब बात आती है कि अगर हम लेवल वन पर पहुँच गए हैं ठीक है आपने इतना लंबा लेक्चर तो दे दिया लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बंदे होंगे बताओ तो सही तीफ करें क्या तो उसका सोलूशन बहुत ये है कि आप बाय रिक्वेस्ट पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया करें नंबर वन टिप तो आपके लिए यह बाय रिक्वेस्ट ज्यादा से ज्यादा से सेंड करो अब तो पहले रोना क्या था जी आए बाय रिक्वेस्ट हमें शो ही नहीं होती है हम किसी को क्या भेजें अब बाय रिक्वेस्ट इतनी बड़ी अब भेजते ही नहीं है बाय रिक्वेस्ट भाईजान डेली बेसिस पर आपके पास दस होती है और लेवल वन सेलर जो होता है वो बड़े आराम से दस बाय रिक्वेस्ट को इजीली यूज़ कर सकता है ठीक है तो आप वहां पर जाएं बाय रिक्वेस्ट को सेंड किया करें दूसरी चीज़ जिन क्लाइंट के साथ आपने काम किया हुआ भाईजान उन्हें एक फॉलोअप मैसेज भेज दिया करें कभी उनकी खैरियत दरियाफ्त कर लिया करें उनसे पूछ लिया करें कि कोई काम की अगर आपको जरूरत है बज दफ़ा क्लाइंट भूल जाता है आपकी सर्विस अगर उसको अच्छी लगी उसने आपको फाइव स्टार रेटिंग दी है अच्छा कमेंट दिया है तो इसका मतलब वो आपकी सर्विस से सेटिस्फाइड है मे बी उसको फ्यूचर में अगर जरूरत हो तो वो आप ही को हायर करें अगर आप उसे एक फॉलोअप मैसेज कर दें तो कुछ नहीं जाता तो क्लाइंट रिटेंशन पर फोकस करें जो ऑलरेडी आपके क्लाइंट्स बने उनसे बिजनेस लें एंड थर्ड यहां पर मैंने आप लोगों के लिए एक फ्रीलांस मार्केटिंग कोर्स बनाया है जिसके अंदर मैंने आप लोगों को सिखाया कि आप लोग ट्विटर फेसबुक क्रेगलिस्ट और भी बहुत सारे मीडियम से किस तरह आप लोग ऑर्डर्स ले सकते हो लाइव आप खुद वीडियो में आके बता मैंने लाइव स्ट्रीम्स भी की जिसके अंदर मैंने आप लोगों के कमेंट ही पढ़ के बताया था कि हाँ यार बताओ कि आपकी क्या सर्विस है उसी सर्विस से रिलेटेड मैंने क्लाइंट्स फाइंड करके दिखाए तो आप भी जाए फ्रीलांस मार्केटिंग कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा

टेंशन है आपकी है ना वो फाइबर की है ना वो मेरी है ना वो किसी और प्लेटफॉर्म की है ना वो किसी और बंदे की आपकी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ है आपके चैलेंजेस हैं तो भाई जान लड़ना भी आपने फेस भी आपने करना है तो थोड़ा अपना एटीट्यूड जो है ना जरा तगड़ा रखो बस ये बात होती है और कुछ नहीं मैंने आप लोगों को ये तो बताया कि फाइवर पर अगर आप लेवल वन पर हो या किसी भी लेवल पर चले गए अगर आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे तो आपको क्या करना चाहिए लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ये लगा कि यार एक एटीट्यूड का फर्क होता है अगर आपका एटीट्यूड लूजर्स वाला है तो भाई आप फिर उसी लाइन में लगे रहोगे तो मैंने सिर्फ आपको एक सोच बताई है एक आपको समझाने की कोशिश किया कि प्रॉब्लम्स कभी भी लाइफ में खत्म नहीं होने वाली हैं आपकी आप इनशाला कभी किसी बड़ी कंपनी बनोगे आपकी भी अच्छी माशाल्लाह कंपनी होगी लोग आपके अंदर काम कर रहे होंगे तब भी आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स उस हिसाब से होंगी तो प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगी रेडी रहना यार प्रॉब्लम्स आ रही हैं चैलेंजेस आ रहे हैं आज इनकी स्टेज कुछ हो रहा है कल कुछ और होगी तो आपको सिर्फ रेडी रहना है उनको फेस करना है अब अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो शेयर जरूर करना यह भाई आपसे एक छोटी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं हर वीडियो में कि प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया करो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो मैं मिलता तो हूं फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अला हाफिज